नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं रॉ एक्सप्लोरर चैनल पर। यहां पर हर कदम एक नया अनुभव है। मेरा नाम ब्रजेश्वर है और इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लेकर दागड़ा समुद्र तट की यात्रा पर जा रहा हूं। एक सफर नहीं, एक एहसास है। यहां मैं अपने जीवन और काम में हुए बदलावों को साझा करूंगा और उन्हें दागरी समुद्र तट की सुंदरता से जोड़ने की कोशिश करूंगा। इस सफर में हम साथ हैं, एक बड़ा परिवार जिसमें सभी अपने हैं। इससे मेरे दिल का हर कोना जुड़ा है। चलिए साथ में इस अद्वितीय यात्रा का चित्रण करें और रॉयल एक्सप्लोरर चैनल के साथ जुड़ें। इसी तरह सुवर्णरेखा नदी की सुंदरता और यात्रा की सुंदरता को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि उड़ीसा डागरा में जो सी बीच है वो इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, शायद दूर दूर तक कोई दो आदमी दिख जाए, बट इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। और सबसे मज़े की बात बताऊं, यहाँ पर पूरा व्यू मिलता है सी का, और जो नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं ना, वो नेचुरल ब्यूटी यहाँ अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आपको सच बताऊं तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है, और सनसेट एंड सनराइज आप यहाँ पर अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ आसपास छोटे मोटे दो चार होटल हैं। हाँ, मैं आज स्टे नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, तो मैं लोकली इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इतने टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो ऑलरेडी गंदे हो चुके हैं, वहाँ पर प्लास्टिक्स एंड ज़्यादा वेस्ट करते हैं लोग, कुछ भी कूड़ा खा पी के फेंक देते हैं। यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है बट बहुत कम, मतलब आपको साफ सफाई के हिसाब से अगर आप देखें तो 10 में से 7 तो आप देख ही सकते हैं। और इसके अलावा डागरा उड़ीसा, ये स्पॉट ऐसा स्पॉट है जहाँ पर हम लोग सुवर्णरेखा एक नदी है जो आपका मध्य प्रदेश और नागपुर उड़ीसा का क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में एंटर होता है, और वो फिर उड़ीसा में आकर यहाँ बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होता है। ये बंगाल की खाड़ी समंदर है हमारे सामने, आप देख सकते हैं फुल व्यू। और देखिए बहुत पीस है यहाँ। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि दागरा में आना कैसे हुआ, तो मेरे लाइफ की छोटी सी स्टोरी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहले जाएंगे तो मेरा पहला वीडियो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर था, जब मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा था इन IIHM। उसके बाद जब मेरा होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया तो मैंने कुछ साल के लिए काम किया इन टाटा स्टारबक्स और एज अ शिफ्ट सुपरवाइज़र काम किया। और उस दौरान काम करते करते मेरे को पैशन तो फील हो रहा था बट कुछ कमी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सोशल वर्क में काम किया जाए। तो मैं अभी ऐसा सोशल वर्कर काम करता हूँ और ट्राइबल्सों के लिए काम करता हूँ, आदिवासी। झाड़ग्राम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर नयाग्राम बोल के एक ब्लॉक है, वहाँ के ऑलमोस्ट 43 विलेजेस में मेरा काम रहता है। और अभी मैं फिलहाल हेल्थ एस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर ट्राइबल्स को उनके हेल्थ अवेयरनेस और उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ KJKS के साथ एक और फंडिंग एजेंसी है, मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास प्रायर परमिशंस नहीं है। मेरे को वैसे परमिशंस मिले नहीं, बोलना गलत होगा, मैंने उनसे अभी तक पूछा नहीं, तो फंडर्स का नाम मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। बट उन फंडर्स की मदद से हम अभी 43 ग्राम 43 विलेज ट्राइबल विलेज वहाँ पर हेल्थ के साथ काम करता हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी गेट एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर विद इन दिस डिसम्बर। एंड
हाँ समझ पा रहा हूँ कि मैं कभी इंग्लिश कभी बंगाली और कभी हिंदी बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है, जब मैं फंडर्स के साथ रहता हूँ तब मेरे को इंग्लिश यूज़ करना होता है, और जब मैं लोकली काम करता हूँ तखन हमें बांग्ला कथा बोली। तारपरे जब आप लोगों से मैं बात करता हूँ तो इंडिया में हिंदी ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है, इसलिए ब्लॉग में मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ। तो आप इस लैंग्वेज चेंज को ज़्यादा माइंड मत करना, मैं सबटाइटल्स यूज़ करने की कोशिश करूँगा, और मैं YouTube कम्युनिटी के लिए नया हूँ। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उस तरीके का वीडियो मैं बनाने का कोशिश करूँगा, छोटे वीडियो बनाऊँ या बड़े वीडियो बनाऊँ, आप लोग ऑडियंस हैं, सॉरी आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। देखिए ऐसा है ना कि वर्ड्स लिखा हुआ हो तो वो अलग आता है, मैं अभी नेचुरली बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को समझ में आए तो मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको सच्ची चीज़ें दिखा पाऊँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ समझा पाऊँ, और मेरे चैनल के माध्यम से मनुष्य के लिए काम कर पाए, ऐसे थॉट्स और ऐसे चिंता भावना आपके साथ लाना चाहता हूं, जिससे आप भी कुछ सोशल वर्क में जुड़े और सोशल वर्क के साथ काम करें। सोशल वर्क कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल पैनी एक रुपया अगर किसी को दान करते हैं वो भी सोशल वर्क है, और अगर कोई एक बड़ा एस्पेक्ट में लेकर आप काम करना चाहें तो वो भी सोशल वर्क है। मैंने बहुत बात कर ली, मैंने ये बात इसलिए किया कि मैं धीरे धीरे डेली ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा, कैसे काम करता हूँ, और अपने ऑथोरिटी से भी परमिशन मांगने की कोशिश करूँगा कि जो काम मैं करता हूँ वो अगर आप लोग को दिखा पाऊँ तो आप लोगों में भी मोटिवेशन आएगा कि ज़िंदगी का एक मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता मेरे दोस्त, सिर्फ पैसा कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी ज़िंदगी जीने की वजह से या ज़िंदगी में कुछ करने की वजह से अगर किसी दो आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आए तो उसको ज़िंदगी कहना अच्छा है। जिस जिंदगी में एक जिंदगी नहीं बदल पाए वो जिंदगी ही क्या। लोग कहते हैं जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए है। तो मैं अपनी जिंदगी को इन आदिवासियों के साथ, इनके स्वास्थ्य के साथ, इनके एम्पावरमेंट के साथ, और इनके साथ जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मैं खुशी फील करता हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त मेरे को बोलते हैं कि आप इतना कम अर्न करते हैं, आई डोंट वांट टू रिवील माय सैलरी, मैं इतना कम अर्न करता हूँ, तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया था वहाँ पर मैं इससे ज़्यादा अर्न कर सकता था, पर सच बताऊँ मेरे दोस्त जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो मैं जवां से तो बयां नहीं कर पाऊंगा। परमिशन मिलती है कि क्या काम करता हूँ, दिन बना दूंगा मेरे दोस्त, दिन बना दूंगा। तो शुक्रिया, ये आज का व्यू, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता चलूंगा कि कैसे कैसे मैं जिंदगी में इस सोशल वर्क सामाजिक काज काम के लिए आगे बढ़ा हूँ, और कैसे मेरे अंदर मोटिवेशन आया, मैं ये सब चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और जो भी दोस्त जो भी फैमिली मेंबर्स अगर आप मेरे काम को देखकर पसंद करते हैं, अगर आपके मन में कभी इन ट्राइबल्स को सपोर्ट करने का ख्याल आता है तो आपको मैं काजरा जनकल्याण समिति जहां पर मैं काम करता हूं उसका लिंक दे दूंगा, और उस वेबसाइट पे जाकर आप मन प्राण जो भी डोनेशन करना चाहें कर पाएंगे। और आज हम लोग डागरा सी बीच में हैं, और डागरा सी बीच के माध्यम से यहाँ से मैं अपने YouTube की नई जर्नी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हैं, आप लोग अगर मेरे वीडियो से जाएंगे तो मैं कहाँ पैदा हुआ, मैंने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में बता रखा है। आपको इंडोनेशिया की सीरीज़ मिलेंगी, आपको मेरे होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी वीडियोज़ मिलेंगी, वृंदावन में जहाँ मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ हूँ, यूपी वृंदावन कृष्ण की नगरी, वहाँ की भी कुछ वीडियोज़ मिलेंगी। और पहले मेरे चैनल का नाम ट्रैवल विद होटेलियर्स हुआ करता था, अभी
इसको मैंने चेंज कर कर रॉ एक्सप्लोरर कर दिया है, ताकि आपको सच्ची बातें बता पाऊँ, सच्चे भावना शेयर कर पाऊँ और इंडिया को लेकर मेरे अंदर क्या थॉट प्रोसेस है कि इन डेवलपमेंट सेक्टर कैसे इंडिया आगे बढ़े, या फिर एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है, उस विषय में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। इन 2 सालों में मैंने काजला जन कल्याण समिति से और मेरे सीनियर्स जिन्होंने मेरे को गाइड किया, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, बट वो लोग उनका नाम बताना पसंद नहीं करते हैं, मिस्टर अनिर्बान चक्रवर्ती, डायरेक्टर स्वपन पांडा एंड आई से मैनी मोर। अगर मैं नाम का लिस्ट बताना शुरू करूँगा तो ख़त्म नहीं होगा, छोटा हो या बड़ा, सब ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के विषय में मेरे को सिखाया है। मैंने बहुत कुछ इन लोगों से सीखा है और तभी मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पैसे से बदल के इंसान की ज़िंदगी बदलने में लगाया है। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ज़िंदगी बदलना या फिर किसी इंसान की ज़िंदगी में बदलाव देखना पसंद है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर सकता हूँ इंस्टा पर, अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो आपकी भी जर्नी शुरू हो पाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दिन। जय हिंद, जय भारत। मैं ब्रजेश्वर आपके इंतज़ार में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर पसंद आया तो लाइक मत करना भूलना, अगर कुछ गलत किया तो कमेंट करना मत भूलना, अगर कुछ पसंद आया तो कमेंट में बताना भी मत भूलना।